हेलो क्लास थर्ड, दिस इज योर इंग्लिश रीडर बुक, योर लेसन नंबर 9। एज यू कैन सी, ये आपकी इंग्लिश रीडर बुक है। जल्दी से ओपन करेंगे इसे। योर लेसन नंबर 9 इज फूलिश एज। ठीक है, फूलिश मतलब मूर्ख गधा, उसके बारे में स्टोरी है। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम एक ट्रेडर था, व्यापारी था, हैड एन एज, उसके पास एक गधा था, दिख रहा है सामने स्क्रीन पे। ही यूज्ड टू लोड इट विद डिफरेंट आर्टिकल्स, उसकी बैक पे पीठ पे रख के वो मार्केट में ले जाता था बेचने के लिए। द ट्रेडर वॉज नॉट अ काइंड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान नहीं था, उसको परेशान करता रहता था, मार मार के ओवरलोड कर देता था बेचारे को, और उसके ऊपर ज़्यादा सामान रख के। एंड द पुअर एनिमल कुड मूव विद मच डिफिकल्टी अंडर द एनॉर्मस बर्डन, उसके लिए बेचारा वो गरीब इंसान जो एनिमल था उसका, उसके लिए हिलना भी बहुत मुश्किल हो पाता था, इतना एनॉर्मस बर्डन था उसके ऊपर। वन डे क्या हुआ, द ट्रेडर लोडेड द एस विद द सैक्स ऑफ फुल ऑफ सॉल्ट, भरे हुए सैक्स यानी जो कट्टे बोरी जो भी आप कहना चाहें, बड़े बड़े बैग्स, उनमें उसने नमक भर के उसकी पीठ पे लाद दिया। द सैक्स वर टू हैवी टू बी कैरिड बाय द पुअर एस, बेचारा इतना परेशान हो रहा था, उस वजन को वो उठाने में बहुत मुश्किल हो रही थी उसको। अ स्मॉल स्ट्रीम जो थी वहाँ रास्ते में आती थी, एंड द एस हैड टू वेट थ्रू इट, और एस को उस नदी को पार करके ही निकलना था। आधी नदी क्रॉस वो कर चुका था, एस वो स्टम्बल्ड एंड फेल ओवर, और वो इतना परेशान हो गया और वो गिर गया उसमें। कुछ पार्ट ऑफ सॉल्ट जो था नदी के पानी में वो पिघल के कम हो गया, और ऐसे ही एस ने सोचा कि अगर मैं बार बार गिरूंगा तो ये पानी में ये वजन जो है इसका क्या होता जा रहा है, हल्का होता जाएगा। तो वो बार बार गिरने में लगा रहा वो, और वो बार बार गीला होके वो नमक कम होता गया। काफी दिनों तक इसने लगातार सेम यही चीजें की। अब देयर वर नॉट हैवी बट द सिली एस जो था वो चाहता था कि ये बात बार बार एज इट इज होती रहे। तो एक दिन क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द कॉटन, उसको पता लग गया था ट्रेडर को ये जानबूझ कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसके पीठ पर कॉटन को रख के और उसको बोला कि चलो। अब वो सोक्ड अ लॉट ऑफ वाटर एंड बिकेम मच हैवियर। अब उसने क्या कहा, उसने जानबूझ के सोचा कि वजन कम हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, कॉटन में पानी भरने से उसका वजन और ज़्यादा हो गया। अब वो ज़्यादा बार बार ये चीज़ नहीं कर पाया, और जो उसका मालिक था, हिट हिम विद अ व्हिप, डंडी से उसको ज़ोर ज़ोर से मारा, एंड ही हैड टू बी ऑन हिज फीट पे उसको चलना पड़ा, एंड कैरी द हैवी वेट उस गधे को ही ले जाना पड़ा, उसको एक सीख दे दी उसने। ठीक है, एंड अब उसको समझ में आ गया दैट द वाटर जो है वो उसको हल्का नहीं कर रहा था, बल्कि अब वो भार हो गया था ज्यादा उसका, क्योंकि कॉटन में पानी भरने से क्या हो गया था, वजन ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो ये आपकी न्यू वर्ड्स हैं जो आपको नोटबुक्स में नोट करने हैं। ओके, and this is your reading comprehension question number A, you have to complete it, okay? As you can see, ये आपकी English reader book है, जल्दी से open करेंगे इसे। C, true false हैं आपके, and question number A of grammar gallery है, ये आपकी क्या है, verbs की first form है, second form है, and third form है, जो मैंने यहाँ कंप्लीट की हैं, आप अपनी कॉपीज एंड बुक्स में कंप्लीट करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर बी है आपका, यहाँ आपने फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो यहाँ आप मैंने कंप्लीट किया है आपके आंसर्स को, एंड सी आंसर आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे।
एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग यू हैव टू डू बाय योर ओन. लेट्स राइट में आपका फन टाइम में मैंने किया है यहाँ पे, और वैल्यू एडेड भी आपने खुद से ही करना है, ठीक है. इफ़ यू आर एबल टू डू इट एंड योर लेसन इज कम्प्लीटेड, यू हैव टू कम्प्लीट द होल वर्क इन योर बुक्स एंड नोटबुक्स ऑल्सो. की क्लास.